नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज हम जो ऑटो कैड करेंगे 2020, उसके अंदर हम चेक करेंगे यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स बेसिकली दो तरीके की होती है, एक है ड्राइंग यूनिट जिसमें हमें कोई भी ड्राइंग बनानी है, और दूसरी होती है डायमेंशन यूनिट जिसमें हमें उस यूनिट्स को देखना है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग यूनिट्स के बारे में। अगर हम यहाँ पे कोई भी सर्कल या लाइन अगर हमें बनानी है, तो वो हमें पहले डिसाइड करना होगा कि उस लाइन का जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए। दैट मींस कि जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो एमएम में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए, मीटर्स में होनी चाहिए, किलोमीटर्स में होनी चाहिए, या फिट और इंचज में होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिसाइड करके अपने ड्राॅइंग्स को सेट करेंगे, ड्राॅइंग यूनिट। तो जैसे कि अभी हमने देखा इंचेस एंड फिट और एमएम और सेंटीमीटर। तो जनरली जो यूनिट्स है दो तरीके की होती हैं, एक होती है इम्पीरियल यूनिट जिसके अंदर हम फिट और इंचेस में बात करते हैं, जो भी हमारे ड्राइंग्स बनेंगी वो फिट और इंचेस के हिसाब से बनेंगी। दूसरी होती है मैट्रिक्स यूनिट जिसके अंदर हम जो भी ड्राॅइंग्स बनाएंगे वो एमएम, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें अपने ड्राॅइंग्स की यूनिट्स को सेट करना है, तो शॉर्टकट कमांड है यूनिट के लिए यूएन। जैसे हम अपने स्क्रीन पे कहीं पे भी या कमांड लाइन पे अगर हम आते हैं और यूएन एंटर करते हैं, तो हमें यूनिट्स के शॉर्टकट मिल जाएगी। और जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन पॉपअप होगा जिसके अंदर हमें जो लेंथ देनी है वो हम किस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शन एंड साइंटिफिक। तो जो भी हम जनरली जो मैकेनिकल्स ड्राइंग्स होती हैं वो हम डेसिमल में बनाते हैं। अगर कोई सिविल की ड्राइंग अगर हमें बनानी है तो वो आर्किटेक्चर में हम बनाएंगे, जिसके अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट फिट और इंचेस में डिफाइन होता है। और डेसिमल में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है कि जो भी हम यहाँ पे डायमेंशन डालेंगे, जैसे 10 mm डाला है या 10.1 mm डाला है, तो पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यूज हमें शो होनी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज हम 0.0 सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इंटरसेक्शन स्केल हम चेक करेंगे कि भाई जो हम डेसिमल लेके आए हैं या फिर जो हमारे ड्राइंग यूनिट्स होगी वो किस में है, इंचज में बनाना है, फीट्स में बनाना है, या मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। जो भी आपको यहाँ से स्केल सेट करना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज हमें मिलीमीटर में ड्राइंग करनी है, देन ओके। तो जो भी हम अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइंस वगैरह वो सारी हमारी एमएम के अंदर ड्रॉ होंगी। दूसरा आता है कि लेट सपोज हमने यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ की 10 की। अब इसको मुझे देखना भी है कि भाई एक्चुअली में इसका जो डायमेंशन है वो कितना है। तो उसे देखने के लिए हम डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, जिसका शॉर्टकट है DIMSTY, डायमेंशन स्टाइल। स्टैंडर्ड में जाएंगे एंड मॉडिफाई। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे। यहाँ पे हम अपना जो यूनिट फॉर्मेट हमने शीट का इस्तेमाल किया है वही हम यहाँ रखेंगे, जैसे डेसिमल हम सेलेक्ट करके आए थे और प्रिसीजन हमने सेलेक्ट किया था 0.0, देन ओके करेंगे। यहाँ पे जैसे ओके किया, हमें यहाँ ओके नज़र नहीं आ रहा, तो उसको हम सेट करंट करेंगे, देन क्लोज करेंगे। देन उसके बाद अगर हमें यहाँ से कोई भी डायमेंशन चेक करना है, तो सबसे फर्स्ट हम इस एनोटेशन टैब पे आएंगे। या तो हम यहाँ से डायमेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम जो टूल बार है यहाँ से डायमेंशन को हम चेक कर सकते हैं। तो अगर मुझे कोई लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट करना है, तो हम लीनियर पे जाएंगे और शॉर्टकट है DIML। DIML अगर हम टाइप करते हैं तो डायमेंशन लीनियर आएगा, और फिर हम यहाँ से चेक कर सकते हैं इसका डायमेंशन। अभी देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे हमें बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है टेक्स्ट जो भी आ रहा है। अगर इसकी हाइट मुझे इंक्रीज डिक्रीज करानी है,
देन उसके लिए अगेन हम डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और टेक्स्ट पे जाएंगे, और यहां से टेक्स्ट हाइट को हम चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम 2 रखते हैं, दैट इज 2 mm, एंड ओके करते हैं, सेट करंट एंड क्लोज, तो वो इंक्रीज हो गया हाइट। इसी तरीके से अगर हमें लाइंस भी इंक्रीज डिक्रीज करानी है, ये जो डायमेंशन लाइंस हैं इसको मुझे प्रॉपर इतना बड़ा नहीं शो करना है, तो उसके लिए अगेन हम डायमेंशन स्टाइल पे जाएंगे, मॉडिफाई लाइंस, और यहां पे हम क्लिक करेंगे फिक्स लाइन एक्सटेंशन लाइन, क्लिक किया एंड ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो देखिए ये लाइंस भी अब डिक्रीज हो गए। अब इसको हम कहीं पे भी ड्रैग डाउन करके हम रख सकते हैं, जितनी दूर चाहे हम उसको मूव करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे कोई लाइन है मेरे पास लेकिन वो किसी एंगल पे है, अब इसका डायमेंशन मुझे चेक करना है, तो उसके लिए हम अलाइन डायमेंशन को इस्तेमाल करेंगे, और इसका जो शॉर्टकट है वो है DIMALI, दैट इज अलाइन डायमेंशन। क्लिक करेंगे और इस हिसाब से हमें वो अलाइन डायमेंशन शो होगा। लेकिन अगर हम यहाँ लीनियर करते हैं तो लीनियर में हमारे पास एंगल पे नहीं आएगा, वो इस तरीके से शो करेगा, लेकिन हमें एंगल्स के ऊपर शो करना था तो इसलिए हमने अलाइन डायमेंशन का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से अगर हमें किसी भी लाइन अगर हमने लिया हुआ है और इसके बिहाफ पे अगर हमें कोई एंगल अगर हमने डिफाइन कर दिया, लेट सपोज 150, अब मुझे यह एंगल चेक करना है कितने का एंगल ड्रॉ हुआ है, तो उसके लिए हम एंगुलर डायमेंशन पे जाएंगे और उसको हम क्लिक करेंगे जिस साइड का भी मुझे एंगल चेक करना है, या फिर हम यहां से अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम बॉटम साइड पे अपना जो है कमांड लाइन पे DIMANG, दैट इज एंगुलर डायमेंशन, एंटर करेंगे, और अगर हम एंगल्स को चेक करते हैं यहाँ पे तो ये हमें इस तरीके से दिखाएगा। और अगर हमारे पास कोई सर्किल है, इसका अब मुझे रेडियस चेक करना है, देन हम अगेन डायमेंशन लाइन एनोटेशन पे जाएंगे और रेडियस, और यहाँ से हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें रेडियस भी शो करेगा। इसी तरीके से अगर हम कोई डायमीटर के थ्रू कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और डायमीटर के थ्रू अगर हमें कोई यहाँ पे प्रोसेस चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम कमांड लाइन से DIMDIA, दैट इज डायामीटर, और इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से भी हमें शो होगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई आर्क है, और इसका मुझे रेडियस चेक करना है, तो हम यहाँ से आर्क लेंथ चेक कर सकते हैं या रेडियस चेक कर सकते हैं। और अगर मेरे पास यहाँ पे लेट सपोज कि हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, अगेन हमने एक लाइन ड्रॉ किया और एक लाइन ड्रॉ किया, अभी मुझे इन सब के बीच में डिफरेंस चेक करना कितना है, तो उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो लीनियर डायमेंशन हमने लिया, अगेन हम लीनियर डायमेंशन लेंगे, इस तरीके से या तो हम लीनियर डायमेंशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर मुझे बार बार लीनियर डायमेंशन को इस्तेमाल नहीं करना है तो हम डायमेंशन पे जाएंगे और यहाँ से कंटिन्यूअस डायमेंशन या क्विक डायमेंशन पे क्लिक करेंगे,
और कंटिन्यूसली हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं एक बार चेकिंग के लिए, डायमेंशन कंटिन्यूस, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें कंटिन्यूस डायमेंशन शो करता रहेगा। डायमेंशन कंटिन्यूस, तो ये हमें इस तरीके से शो करता रहेगा कंटिन्यूएशन में। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमने कोई लाइन ड्रॉ किया, हमारे पास सर्किल भी है, कोई आर्क भी हमने ड्रॉ किया हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे बार बार जाने की रिक्वायरमेंट हो रही है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या ड्राइंग्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही कमांड से सभी का डायमेंशन देना चाहता हूँ, तो हम डायमेंशन पे जाएंगे, क्विक डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, अगेन इस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये सभी पे एक ही तरीके का डायमेंशन हमें नज़र आएगा। हमें बार बार अलाइन डायमेंशन या सर्किल के लिए रेडियस या डायमीटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम अपनी शीट की यूनिट सेट कर सकते हैं और उनको डायमेंशन प्रोवाइड करा सकते हैं। लेट सपोज कि जो एरो मार्क है उसका साइज भी अगर हमें इंक्रीज डिक्रीज कराना है, देन अगेन हम डायमेंशन स्टाइल पर जाएंगे, स्टैंडर्ड, मॉडिफाई, लाइन, और अगर हम यहाँ पे लाइन जो बेस स्पेसिफिक है या जो एक्सटेंशन लाइंस हैं उनका ऑफसेट करना है, या फिर जो स्पेसिंग है उनको इंक्रीज डिक्रीज करना है, या जो एरो मार्क्स है उनका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, लेट सपोज अगर हम यहाँ वन करते हैं, ओके करेंगे, सेट करंट एंड क्लोज, तो इनका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने जितने भी डायमेंशंस हैं या पेज का ये जो यूनिट है वो हम सेट कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर हम अपना यूनिट्स को चेंज करते हैं, अगर लेट सपोज अभी हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग कर रहे हैं, प्रिसीजन 0 फीट 0 इंचेस, और हम यहाँ पे इंचेस अगर कर देते हैं, ओके करेंगे, अब एक अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, लेट सपोज 2 फीट 6 इंचेस, और अब हम डायमेंशन पे जाके इसका चेक करते हैं साइज, तो ये 30 दिखा रहा है, लेकिन हमने तो 2 फीट 3 6 इंचेस दिया था। तो उसको अगर हमें प्रॉपरली चेक करना है तो हमें डायमेंशन स्टाइल में भी चेंजेस करने होंगे। मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स को हमें आर्किटेक्चर करना होगा, प्रिसीजन 0 फीट 0 इंचेस एंड ओके, सेट करंट एंड क्लोज, तो ऑटोमेटिकली सारी ड्राइंग्स जो होंगी हमारी फिट और इंचेस में शो होने लग जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं हमें ड्राइंग बनाने से पहले सारी चीज़ें सेट करनी होंगी कि हमें जो ड्राइंग्स है वो इंपीरियल यूनिट्स में बनानी है या फिर मैट्रिक्स यूनिट में बनानी है, और दूसरा ड्राइंग को हमें किस डायमेंशन के हिसाब से रखना है, दैट इज़ किस वे में हमें चेक करना है। जैसे अभी यहाँ पे ये इंचेस का फॉर्मेट आ रहा है, ये फीट का है और ये इंचेस का फॉर्मेट है, तो हमें फीट इंचेस में देखना है, नॉर्मल एमएम में देखना है या फ्रैक्शन में देखना है, वो हम डायमेंशन स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरीके से हम ऑटोकैड के अंदर शीट की यूनिट को सेट करते हैं और डायमेंशन स्टाइल को सेट करते हैं। थैंक यू।